दोस्तों मैंने चैनल पे जो है काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ, और अगर आप इंग्लिश को बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं एकदम शुरू से, तो इस चैनल पे अगर आप नए हो तो करिए इसको सब्सक्राइब। अगर आप पुराने हो तो वीडियोज़ को देखते रहिए और सीखते रहिए चीज़ों को। दोस्तों चलिए मैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। आज मैं कुछ नया आपके लिए लेके आया हूँ फिर से, और मैं इस चैनल पे सारी चीज़ें जो है बेसिक से क्लियर कराता चल रहा हूँ। शुरू से लेकर लास्ट तक सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, और आप जो है इसमें सारी चीज़ें जो है कवर कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर को मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपको लेके चलूँगा। हमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। और कौन कौन हमें सपोर्ट कर रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आज कौन कौन हमारे साथ है, कितने स्टूडेंट हमारे साथ हैं जो कि हमें सपोर्ट करेंगे और हम आगे लेके उनके वो चलेंगे और बताते चलेंगे। कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइए मुझे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली बात ये हुई, यहाँ पे मैंने अभी ही और सी के बारे में बताया हुआ था कि ही पुरुष के लिए प्रयोग होता है और सी स्त्री के लिए प्रयोग होता है। आज मैं बात करूँगा दे के बारे में। दे मीन्स मैं बताना चाहूँगा, दे मीन्स वे होता है। दे मीन्स होता है वे या उनके के तुरंत बाद पास आए, ठीक है ना। उनके के अगर तुरंत बाद पास आता है, जैसे उनके पास एक घड़ी है, तो दे हैव अ वॉच हो जाएगा, क्योंकि दे जो होता है वो प्लूरल होता है, इसलिए वहाँ पे हैव आया। मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, आप परेशान ना होइए, पहले आप थोड़ा सा सुन लीजिए इसको। और देयर मीन्स उनका, उनके, उनकी, ये तीनों चीज़ें होती हैं। देयर मीन्स उनका भी कर सकते हैं, उनके, उनकी, ये तीनों चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मैंने कलमे के साथ जो सटीक बैठ रहा है उनकी कलमे, अगर उनका कलमे मैं करूँगा तो वहाँ पे थोड़ा सटीक नहीं बैठेगा, इसलिए आप जो है जो उसके साथ जो मिला हुआ जो शब्द होगा, जैसे यहाँ पे कलम है, कहीं पे किताब आ सकता है, कहीं पे कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं, कहीं पे सामान आ सकता है, जो आएगा उसी के हिसाब से आप उनका, उनके, उनकी जो सेंटेंस में सही तरीके से एडजस्ट हो जाए वही आप वहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बता रहा हूँ डियर पेरेंट्स, अगर उनका, उनके, उनकी का आपको इंग्लिश बनाना होगा और उसके साथ कोई और चीज़ होगी, तो वहाँ पे उनके के बाद ये आप सीधे एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर उनके के तुरंत बाद पास है, उनका, उनके, उनकी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास अगर उनके के तुरंत बाद पास है तो ठीक है, वहाँ पे दे लगेगा। वे हो या उनके के तुरंत बाद पास हो, वे या उनके तुरंत बाद पास है तो दे, अगर उनके के तुरंत बाद पास नहीं आता है तो वहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर पास नहीं है तो वहाँ पे दियर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर उनके के तुरंत बाद पास आता है तो वहाँ पे दे होगा। हाँ, एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, और अगर उनके के तुरंत बाद पास है तो ठीक है, अगर उनके बाद पास तुरंत नहीं है तो वहाँ पे आपको दियर लगाना है, और अंत में अगर दियर आता है उसका जो होता है वो दियर्स हो जाता है। जैसे मैंने बताया था हर का हर्स हो जाता है, वैसे दियर का जो है दियर्स हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा जो दियर्स होता है ये प्लूरल होता है, ठीक है ना, ये बहुवचन होता है। दियर्स लगा के बहुवचन बना दिया जाता है। और देम मीन्स उन्हें या उनको, दोनों चीज़ें होती हैं। देम मीन्स उन्हें या उनको, दोनों चीज़ें हम कह सकते हैं। और मैं उसके बाद नीचे चलता हूँ, यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बताया है कि अगर वे हो या उनके के तुरंत बाद, वे के तुरंत, उनके तुरंत बाद पास, हाँ वे या उनके के तुरंत बाद पास आए तो वहाँ पर लगेगा दे। यहाँ पर केवल वे है तो यहाँ पर हुआ दे, ठीक है ना। कौन वे? एक नंबर, वे हैं कहाँ? उस छत पर। तो यहाँ पे दे, उसके बाद वे जो है वो बहुवचन है, बहुवचन के लिए मैंने बताया है। अगर इज एम आर में आपको देखना है क्या सेंटेंस यहाँ पे बैठेगा, अगर वहाँ पे अगर एक वचन है के लिए तो इज, अगर बहुवचन है तो वहाँ पे लगेगा आर है के लिए, अगर जहाँ पे हूँ रहेगा वहाँ पे लगेगा एम, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए, जो वे होता है वो होता है बहुवचन, मैंने पहले ही बता चुका है यहाँ पर, यहाँ पे मैंने पहले बताया है कि ये सब सारी चीज़ें ये जो है ये बहुवचन है, ठीक है। ये दियर से बहुवचन है, दे भी बहुवचन है, और यहाँ पे जो दियर है यहाँ पे ये इसके अनुसार चलेगा। जैसे यहाँ पे पेन है तो यहाँ पे बहुवचन नहीं होगा, अगर उनकी कलम है तो नहीं होगा, उनकी कलम है तो वहाँ पर बहुवचन हो जाएगा, ठीक है, उसके अनुसार आप करिएगा। मैं चलिए एग्जाम्पल में ही बता रहा हूँ उसको। दे मीन्स उन्हें, उनको होता ही है, मैंने बता दिया। और उनकी, जैसे कि उनके पास, उनके तुरंत बाद पास आए, मैंने बताया है कि वहाँ पे हो जाता है दे, और दे होता है बहुवचन, इसलिए के पास है, उनके पास और है, ये दो नंबर है, क्या है? एक घड़ी है। तो मैंने बताया था कि उनके के अगर तुरंत बाद पास है तो वहाँ पे दे, दे है बहुवचन, तो बहुवचन मैंने बताया था हैज हैव के नियम में कि अगर एक वचन है तो हैज और बहुवचन है तो हैव, तो दे हैव
अ वॉच, ठीक है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे दे हैव अ वॉच। जैसे उनकी माँ, कौन उनकी माँ, किसी वाक्य में पहले कौन पूछा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। उनकी माँ है कहाँ, किस घर में, तो कौन उनकी माँ, डियर मदर, मैंने बताया था कि डियर पेरेंट्स, ठीक है ना, यहाँ पे उनका, उनके, उनकी के बाद माँ आया हुआ है। अगर पास आता तो वहाँ पे ये सब वहाँ पे तुरंत दे हो जाता, उनका, उनके, उनकी के बाद अगर यहाँ पे माँ आ गया या कोई भी चीज़ आती है पास के सिवाय, कोई भी चीज़ आती है वहाँ पे सीधा डियर हो जाएगा, डियर, ठीक है। इसी में बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगर दे लगाना है आपको वाक्य में तो वहाँ पर आप ध्यान रखिए कि उनके के तुरंत बाद पास आए, ये या केवल सेंटेंस में वे रहे, ठीक है। अगर उनका, उनके, उनके के बाद कुछ और आता है पास के सिवाय तो आपको वहाँ पे सीधे दियर लगा देना है। कौन उनकी माँ है, उनकी माँ जो है, जैसे कि आप कहेंगे कि उनकी माँ, उनका, उनके, उनकी, अगर आप ऐसा सीधा सोचें कि उनकी माँ यानी कि दो चार लोग हैं तो उनकी माँ होंगी, ठीक है ना। आप कोई दो चार लोग खड़े रहेंगे तो आप उनसे कहेंगे, जैसे आप मुझसे बता रहे हैं तो आप कहेंगे उनकी माँ इस घर में है, तो उनकी माँ यानी कि वो दो चार जो लोग हैं, उनकी माँ जो है वो अकेली है, तो उनकी माँ अकेली है तो यहाँ पे उसी के लिए आया हुआ है इज, ठीक है ना। अकेली है उनकी माँ तो यहाँ पे आएगा इज। अगर वाक्य में आपको बहुवचन लगे तो वहाँ पे लगाइएगा आर, अगर एक वचन है तो इज, ठीक है के लिए लगता है, अब ध्यान रखिएगा। डियर मदर इज इन दिस रूम। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे है उनकी कार इस घर में है, कौन उनकी कार है कहाँ इस घर में, ये तीन नंबर, ठीक है ना। कौन उनकी कार, डियर कार, डियर कार, उनकी कार, ठीक है ना, उनकी गाय, उनकी कार, उनके घर, कुछ भी हो सकता है। तो उनका, उनके, उनके के लिए मैंने बताया डियर, डियर कार, उनकी कार अकेली है, तो यहाँ पे है के लिए इज इन दिस रूम। मैंने वाक्यांश बताया था कि इस तरीके से होता है वाक्यांश, अगर आप ना देखे हों तो मैंने दूसरे पार्ट में वाक्यांश के बारे में समझाया हुआ है, मैंने सब कुछ उसमें चीज़ें कवर की हुई हैं, इन, ऑन, ऑफ, फॉर, विथ और सारी चीज़ें ऑफ भी है उसमें, तो वाक्यांश मैंने कवर किया हुआ है, दूसरी वीडियो पार्ट टू है, वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं। तो मैंने उसमें सारा चीज़ें जो है समझाया हुआ है कि किस तरीके से वाक्यांश होता है। और हाँ एक बात और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कितने लोग हमारे साथ हैं जो कि हमें सपोर्ट करेंगे, हमको जो है आगे ले जाने के लिए और इंग्लिश को बेसिक से सीखने के लिए। कौन कौन, क्या, किसके मन में क्या है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं, ये आप ध्यान रखिएगा, ज़रूर बताना है कमेंट करके आपको, ठीक है। और उनके, जैसे मैं पांचवा एग्जांपल लूँ, उनके पिताजी के पास, किसके, उनके पिताजी के पास है क्या, एक कलम, ठीक है ना। उनके पिताजी कौन, उनके पिताजी के पास है के लिए मैंने बताया था कि क्या होगा, हैज या है, उनके पिताजी जो हैं वो अकेले हैं इसलिए यहाँ पे हुआ हैज, ठीक है। कौन उनके पिताजी, एक नंबर पे क्या है, उनके पिताजी, तो डियर फादर, हैज अकेले हैं इसलिए, के पास है के लिए हैज होता है, हैव होता है, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, क्या है, एक कलम है, ठीक है ना, सिंपल सा है। उनके मित्रों के पास किताबें हैं, किसके पास, उनके मित्रों के पास, कौन उनके मित्रों के पास है, ये दो नंबर है, क्या है, किताबें हैं, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे क्या या कहाँ मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने बता चुका है आगे वाली पीछे वाली वीडियोज में मैंने कवर की हुई है चीज़ें, अगर आप न जानते हो तो ई जे एम आर में मैंने इसको सारे चीज़ों को कवर कराया हुआ है, किस तरीके से होती हैं, वहाँ से आप जाके सारी चीज़ों को देखिए ज़रूर, तभी जो है चीज़ें समझ में आएंगी। अगर नहीं आ रही हों तो शुरू से देखिए, अगर आप यहाँ डायरेक्ट आ चुके हैं, अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे, आप ध्यान रखिएगा, शुरू से आप देखिए तभी जो है चीज़ों को समझ पाएंगे। उनके मित्रों के पास क्या है, डियर फ्रेंड्स है, ठीक है ना, बुक्स, ये एक नंबर है उनके मित्रों, ठीक है ना, उनके मित्रों क्या है, एक नंबर, किसके पास, उनके मित्रों के पास है के लिए मैंने बताया हुआ था क्या होता है, हैज है, मित्रों एक बहुवचन है इसलिए यहाँ पे है हुआ, बुक्स और किताबें हैं तो बुक्स हो गया, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि किताबें, ये जो किताबें हैं इससे मतलब नहीं है आपको हैज और हैव से, ठीक है ना, उनके यहाँ पे जो आएगा उससे आपको मतलब है कि उनके मित्रों के पास क्या है, ठीक है ना। उनके मित्र के पास होता तो डियर फ्रेंड हैज हो जाता, जो क्योंकि उनके मित्र, जो उनके मित्र हैं, जैसे दो चार लोग हैं उनके मित्र एक हो सकते हैं, अगर उनके मित्र की बात की गई, उनके मित्रों कहा जाएगा तो वहाँ पे उनके मित्र जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपको हैव लगा देना, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। और लास्ट एग्जाम्पल है, वे सामान उनके हैं, कौन वे सामान हैं, किनके, उनके, ठीक है ना, किसके, उनके हैं,
कौन? दोज लगेजेज, यहाँ पे होता है लगेजेज मीन्स होता है सामान, और उनके हैं वे सामान, वे होता है बहुवचन, मैंने बताया हुआ है, ये वे बहुवचन होते हैं, यह वह एक वचन होता है, वे जो है बहुवचन होता है इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है आर, ठीक है ना। और मैंने बताया हुआ है कि लास्ट में अगर दियर आता है तो उनके के लिए दियर्स हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई हैं, अगर ना समझ में आई हो तो फिर से वीडियो को देखिए, शुरू से देखिए, तभी जो है चीज़ें समझ में आएंगी। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन कौन हमें सपोर्ट कर रहा है और कौन कौन हमारे साथ है, जो कि हमको आगे और चीज़ें कवर करवाने में मदद करेगा और मैं उसको सही से बता पाऊँगा। देखिए, अगर मेरा चैनल जो है अभी स्टार्ट हुआ है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे तक लेके जा चलूँगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आएँ, आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या करना है हमारे साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके वो वीडियो जरूर पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।